हाय स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर ट्वेल्व रिव्यू क्वेश्चन टू करेंगे हाइड्रोकार्बन में से ठीक है हाइड्रोकार्बन हमारा चैप्टर नंबर ट्वेल्व में क्वेश्चन नंबर फोर हमारा है अल्केन an an किसकी मदद से अल्किन की मदद से और अल्काइन की मदद से तो पहले हम अल्किन को दे, दे, दे देख लेते हैं अल्किन से जब हम करेंगे तो हम क्या करते हैं हाइड्रोजनेशन हो प्रोसेस हाइड्रोजनेशन उस वक्त हम कहते हैं जब एक, एक से दो या दो से ज्यादा कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं हाइड्रोजनेशन किसी कैटलिस के प्रेजेंस में हो सकता है मेटल कैटलिस होना चाहिए जैसे निकल हो सकता है प्लेटिनियम हो सकता है प्लेडियम हो सकता है और साथ ही टेम्परेचर हाई टेम्परेचर प्रेशर परफॉर्म कर किया जाता है रिएक्शन प्रेशर भी हाई होना चाहिए और टेम्परेचर तकरीबन टू हंड्रेड से थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होना चाहिए अब दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इथिन की और एक जो है हम दो हम इथी अल्किन की देख लेते हैं और एक हम अल्काइन की देख लेते हैं ये हम प्रोपीन से बना रहे हैं प्रोपेन किसकी प्रेजेंस में बना रहे हैं प्लेटिनियम के यहाँ पे निकल भी हो सकता है और प्लेटिनियम भी हो सकता है ठीक है किस टेम्परेचर पे करना है 200 से 300 पे करना है अभी जो डबल बॉन्डिंग है इन दोनों कार्बन के दरमियान इसके अंदर से क्या होगा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं और हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन इसके अंदर एड हो जाएगा और ये डबल बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक होकर सिंगल बॉन्डिंग में यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्किन जो है कन्वर्ट हो जाएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्कीन के पे प्रोपीन के अंदर जब हमने हाइड्रोजनेशन करवाई तो हमारे पास क्या बन जाएगा प्रोपीन बन जाएगा दूसरी एग्जाम्पल हमारी है है की इतीन जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग होती है दो कार्बन होते हैं तो इसको इथिन से चुके बनता है इसलिए कहते हैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होगा हाइड्रोजन एक्सेस में होना चाहिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हाइड्रेशन कहते, है। कहते हैं हाइड्रोजनेशन कहते हैं या फिर एडिशन रिएक्शन कहते हैं किसकी प्रेजेंस में करें हम निकल के प्रेजेंट में करें हम प्लेटिनियम या प्लेडिनियम की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं अब जब ये हाइड्रोशन यहाँ पे आएगा इस फाइनली डिवाइडेड जो है हमारे पास निकल मौजूद है या फाइनली डिवाइडेड कोई सा भी हमारे पास मेटल मौजूद है ऐसे केटलिस्ट तो हम इसको क्या करेंगे हम हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस करेंगे और ये हाइड्रोजन जो है इसमें ऐड हो जाएगी और ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में यानी अल्कीन के अंदर इस तरह इथीन को कन्वर्ट कर लेंगे इथीन के अंदर विद दी हेल्प ऑफ निकल एज अटलिस्ट एट 200, हंड्रेड टू थ्री डिग्री सेल्सियस दूसरा इसका पार्ट था हमें करना है, किसकी मदद से अलकाइन की मदद से यहाँ पे हम यूज करेंगे हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे कर तो हमें ट्रिपल बॉन्ड तो ये जो रिएक्शन होगा दो स्टेप में होगा पहले स्टेप में क्या होगा वो डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग कन्वर्टेड इंटू डबल बॉन्डिंग और दूसरे स्टेप में क्या होगा डबल बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग में गं� कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह हाइड्रोकार्बन को हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट ये कैटलिस्ट यहाँ पे प्लेटिनियम यूज करें हम इसकी जगह पे निकल या प्लेटिनियम यूज कर सकते हैं किस टेम्परेचर पे करेंगे टू से थ्री डिग्री सेंटीग्रेड पे या सेल्सियस पे करेंगे अब जब हाइड्रोजन का पहला मॉलिक्यूल इस ट्रिपल बॉन्डिंग पर कर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगी और प्रोपी प्रोपाइन से प्रोपीन बनेगा उसके बाद अगले स्टेप में जब डबल बॉन्डिंग रह जाएगी तो फिर वो दोबारा एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा और प्रोपीन से प्रोपेन बन जाएगा इस तरह फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो प्रोपेन मिलेगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ठीक है होप्स ओके क्वेश्चन नंबर फोर आपको समझ आया होगा Question number five Write a chemical equation to show the preparation of an ethene from dehydration of an alcohol and dehydrogenation of alkyl halide. अब इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा हमें इथिन प्रिपेयर करना है कैसे प्रिपेयर करना है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है और अल्काइल हाइलाइट के अंदर डिहाइड्रोजिनेशन यानी अल्काइल रेडिकल और हाइड्रोजन को रिमूव करना है अब पहले स्टेप में हम देखते हैं पहले स्टेप में हमारे पास ये रिएक्शन है इथिन को हम बना रहे हैं किसकी मदद से बना रहे हैं अल्कोहल की मदद से बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं डिहाइड्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के बना रहे हैं एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे लिए वो इथेनॉल के लिए इथेनॉल का फॉर्मूला

ऑक्साइड यूज कर सकते हैं और ये हाई टेम्परेचर पे किया जाता है यानी हॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस्तेमाल किया जाएगा इस तरह इथनॉल विल बी कन्वर्टेड इनटू इथीन बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इसी के एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ये एग्जाम्पल भी आमतौर तो पे आती है वाटर सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो वाटर, वाटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करता है वाटर मॉलिकल एब्सॉर्ब या रिमूव कर सकता है तो हम इसी इथेनॉल को लेंगे जिसके एक कार्बन के ऊपर ओएच ग्रुप है एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप है और ये दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाकर रिमूव किया जाता है और ये ये जो रिएक्शन होता है ये भी हाई टेम्परेचर पे किया जाता है वन सिक्सटी से वन सेवेंटी डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में डीहाइड्रेशन की मदद से हम इथेनॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं इथिन ये दो एग्जाम्पल है ठीक है अच्छा अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रो हाइड्रोजिनेशन मीन्स अल्काइल हालाइड यानी अल्काइल हाइड्राइड कोई भी हमारा ग्रुप सेवन का एलिमेंट हो सकता है जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है और हाइड्रोजन भी हमें एडजस्टन से रिमूव करनी थिन फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अलकाइल हाइराइट यहाँ पे अलकाइल हाइलाइड हमारे मौजूद है एक्स जो है रिप्रेजेंट करता है किसी भी हाईलाइट को वो क्लोरीन भी हो सकता है ब्रोमीन भी हो सकता है आयोडीन भी हो सकता है और ये जो है एक्स जो है वो हेलोजन ग्रुप का है तो हम अल्कली uh, मेटल ले लें जो ग्रुप वन ए का है ग्रुप ग्रुप का metal, का अल्कली मेटल हैलोजन जो है आपस मिलकर सॉल्ट बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं इसलिए हम कोई ऐसा बेस ले, ले लेते हैं जो वन ए का यहाँ पे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है ताकि ओ एच ग्रुप के वाफिर मकदार में हो और आराम से बराबर वाले का हाइड्रोजन

नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम डीहाइड्रो डीहेलोजिनेशन ऑफ वन टू डायहाइलाइट एंड टेट्राहाइलाइट पहले हम इथाइन बनाने के लिए यूज करते हैं वन टू डायहाइलाइट वन टू डायहाइलाइट ये हमारे पास एग्जांपल मौजूद है वन टू डाई ब्रोमो इथेन वन पे है टू पे है डाई दो है डाई ब्रोमो और ये कौन सा है अल्काइल रेडिकल इथेन टू इथेन लेंगे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रीवियस रिएक्शन के साथ की तरह से करेंगे अल्कोहल के प्रेजेंस में ओ एच की कमी ना हो ये पोटेशियम जो है वो ब्रोमीन के साथ मिलेगा और पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेगा और ये ओ एच जो है बराबर वाले नेबरिंग का जो कार्बन होगा बीटा कार्बन उसके हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा इस तरह पहले स्टेप में जो है पोटेशियम ब्रोमाइड का एक मॉलिक्यूल और वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा

कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ वन टू डाइब्रोमो मदद से सेकेंड अगर हम देखें इसका दूसरा जो स्टेप है टेट्रा हालट की मदद से हम बना रहे हैं टेक्ट्रा हालट हमारे पास हमने कौन से लिया है टेट्रा

ये जो है इथिन में कन्वर्ट होगा सेकेंड स्टेप में क्या वो इथाइन में कन्वर्ट हो जाएगा आपको तो समझ आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर राइट अ केमिकल इक्वेशन शोइंग शोइंग रिएक्शन ऑफ केमेनोफोर विद इथीन एंड इथाइन अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आमतौर पे आ, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है तो इसको अच्छी तरह से देखिएगा ये हमारे पास क्या है इथाइलीन है ठीक है 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 ये है है, ये ये इथाइन जो हमारे पास डबल ट्रिपल बॉनिंग है। इसको हमने मैंने फोर और वाटर की प्रेजेंस में देखना है कि क्या होगा जब हम हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे तो कुछ और हमारे पास होगा लो टेम्परेचर पे यानी कोल्ड पे करेंगे तो हमारे रिएक्शन कोल्ड पे भी होता है और हाई टेम्परेचर पे होता है इत... इथिन को जो हम रिएक्ट करवाते हैं केमेनाफोर वाटर के प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर पे टू नाइनटी फाइव टू नाइनटी एट से थ्री केल्विन थ्री पे करवा रहे हैं ठीक है तो हमारे पास क्या बनेगा इथिन बनेगा डायोल के साथ दो ओएच ग्रुप और ये ग्लाइकोल कहलाता है आपको पता होगा जब आ, किसी भी ओएच ग्रुप कहीं पे भी किसी भी अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच हो और एक से ज्यादा ओएच ग्रुप हो तो उसको ग्लाइकोल कहते हैं तो ये ये ग्लाइकोल एक्चुअली बना है। इसका नाम क्या है क्योंकि इसके पास दो कार्बन है तो ये इथेन 1 टू डायोल हम उसको कहते हैं यही रिएक्शन अगर हम फॉरदर करेंगे तो हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेप में तो इथेन वन टू डाई ऑल बनेगा और सेकंड स्टेप में चूंकि ऑक्सीजन वाफिर मेदार में पे मौजूद है के अंदर और ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करता तो इस ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है ये ओ OH एच ग्रुप अटैच हो जाता है इसके साथ ठीक OH है ओ एच ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है इस तरह ऑक्सीजन जो नेसेंट और ऑक्सीजन जनरेट हो रही है केमेना फोर की वजह से तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस फर्दर होगा और ये ओ OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बो ग्रुप के अंदर ठीक है तो इस तरह टू ऑल फादर और अगर हम पोटेशियम uh, परमैग्नेट के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये ऑक्सलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह ओ एज ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप को कन्वर्ट किया जा सकता है इसके अंदर कार्बो ग्रुप में इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ओके एनी क्वेश्चन थैंक यू